नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्षी पार्टियों में रोष नजर आ रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और जिलाधिकारी को, कभी तहसील महोदय को तो कभी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का काम कर रही है। ऐसा ही आज मेरठ में कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ तहसील में धरना प्रदर्शन कर बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसील महोदय को ज्ञापन सौंपा। पहले भगाया था गोरों को, हम भगाएंगे चोरों को। पहले भगाया था गोरों को। गृह युद्ध होने से, भूखमरी होने से कोई रोक नहीं सकता और ये देश की जनता को, हम लोगों को घर घर जाके समझाना है। वापस लो, वापस लो। डीजल पेट्रोल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। तो हमें देश के लिए अपनी जाने भी कुर्बान करनी पड़े तो जाने भी कुर्बान करेंगे। और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस सरकार जब तक नहीं आएगी इस प्रदेश के अंदर, जब तक हम संघर्ष जारी रखें। डीजल पेट्रोल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। डीजल पेट्रोल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। डीजल पेट्रोल, डीजल के दाम वापस लो, वापस लो। आज अविनाश नहीं है, डीजल के दाम वापस लो, वापस लो। हाँ, अविनाश का जो डीजल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। अर्थव्यवस्था को बुलाओ, जो भी अंदर जाके कार्यालय देखो, कांग्रेस ने अपने खून पसीने की कमाई से देश को सींचा है और कांग्रेस को सींचा है। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता जो सोए भी थे, वो अब जाग चुका है, क्योंकि कांग्रेसियों का वो खून है। जैसी जैसी तुम हम पे जुल्म करोगे, वैसी हमारा खून बहुत आएगा। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तुम्हारी तो औकात क्या है, सबसे बात क्या है ये बताओ। प्रधानमंत्री 9 मार्च चाइना क्यों गया था ये नहीं बताते। मुख्यमंत्री कर लो या एक मानव कर लो, इनके जो कच्चे चिट्ठे थे हम कांग्रेस ने खोले नहीं, हमने इन्हें जेलों में नहीं डाला मानव के नाते। ये आज हमें हमारा जो उत्पीड़न कर रही है उसका कारण है। आने दो सरकारें हमारी, हम जितने भी इन्होंने लूट खसोट बचा रखी है, 6 साल के अंदर दुनिया की सबसे रईस पार्टी हो गई। 6 साल के अंदर एक आलीशान 5-4 होटल से बड़ा। सर क्या नाम है और किस चीज़ का प्रदर्शन किया? मेरा नाम मनिंदर सूद वाल्मीकि, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी AIC सदस्य। आज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आदरणीय हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, आदरणीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के आह्वान पर, आदरणीय हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव है, प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, उनके आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर, पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो हालात हो रही हैं उसके विरोध में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए हर प्रदेश के अंदर हम लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और देश की सरकार और प्रदेश की सरकारें जिस तरीके से घूंगी बैरी हो रही हैं, हम रेगुलर अभी 29 तारीख में हमारा कलेक्ट्रेट पे धरना रहा, उससे पहले हमने काफ़ी समय से ही लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए हम मांग कर रहे हैं। और अब हमारा आज तहसीलों पे धरना है, उसके बाद 4 तारीख के अंदर हम बिलों को के अंदर जाकर धरना दे रहे हैं। मगर ये गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल सोचने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार केवल ये सिद्ध हो चुका है कि केवल पूंजीपतियों की सरकार है। आज गरीब मजदूर शोषित, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है, इतने दिनों तक प्रदर्शन करते जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहना? मैं मोहम्मद जाहिद अंसारी, महानगर अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर रही है, ये एक बड़ा निंदा का सवाल है। आज गरीब की थाली से रोटी गायब हो गई है। जब डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ते हैं तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। आज देखिए ट्रांसपोर्टर जो है वो भी हड़ताल पर है और गरीब अपने घर में भुखमरी से आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आम आदमी आत्महत्या कर रहा है।
आपने देखा होगा अभी मेरठ के अंदर डिफॉल्टर होने के कारण आनंद हॉस्पिटल के मालिक ने, जो इतने बड़े आदमी थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप देख रहे हैं इस सरकार की कान पे जू नहीं चल रही। जब तक तेल की कीमतों के दाम कम नहीं किए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी पूरा परिवार मेरठ का, इसी तरह से पूरा उत्तर प्रदेश धरने प्रदर्शन जारी रहेगा। इस सरकार के गरम तेल डालने का काम करेंगे कानों में। जब तक इसके कानों की आवाज़ हमारी आवाज़ इसकी कानों में नहीं जाएगी, जब तक हम धरना प्रदर्शन आम जनता के लिए जारी रखेंगे। डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, इससे महंगाई कम होगी, गरीब लोगों की रोटी रोजी मिलेगी, आम व्यवस्था ठीक हो जाएगी।